मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल पूरा करने जा रही है। इन 15 सालों में शिवराज सिंह चौहान लगातार 13 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस साल के अंत तक प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते 3 महीनों में कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया। प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक अति उत्साह देखा जा रहा है। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन यही आत्मविश्वास आरएसएस के कार्यकर्ताओं में नहीं देखा जा रहा, इसीलिए शायद आरएसएस के कार्यकर्ता खुद बीजेपी के कार्यक्रमों का प्रमोशन करने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब आरएसएस के कार्यकर्ता खुले तौर पर बीजेपी के कार्यक्रमों का प्रचार करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता प्रदेश में कम हो गई है? जानने के लिए पढ़िए दिनेश गुप्ता का यह लेख फर्स्ट पोस्ट हिंदी पर।